जय हिंद। नमस्कार साथियों, अगर आपने 1638 पोस्टों पर फॉर्म को अप्लाई किया था, जी दोस्तों 1638 पोस्ट एसएसपी ट्रेड्समैन और साथ में हेड कांस्टेबल की भी कुछ पद उसमें आई हुई थी, और टोटल पर बात करें यहाँ पे 1638 पोस्ट नई भर्ती निकल के आई हुई थी 2023 में। अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये सवाल तो आया ही होगा कि इसका फिजिकल कब होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इन ट्रेडों में सबसे पहले आप सभी का फिजिकल होगा और सभी का फिजिकल यहाँ पे अलग अलग होने वाला है। बात करें अगर आप ट्रेड्समैन के पदों के लिए अप्लाई किया है जो कि 543 पोस्ट उसी में आया हुआ था, तो उनका यहाँ पे 4800 मीटर रनिंग होगा, 4.800 मीटर रनिंग होने वाला है जो कि 24 मिनट के अंदर रनिंग को क्वालिफाई करना होगा। वहीं बात करें अगर हेड कांस्टेबल के लिए, तो हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग रखा गया है। तो आपने किस में अप्लाई किया है, ट्रेड्समैन में या फिर हेड कांस्टेबल में, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं उसी वैकेंसी की बात कर रहा हूँ जो अभी निकल के आया हुआ था इस साल में 2023 में, टोटल पोस्ट 1638 था, ठीक है। तो 115 वाले बच्चे बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपकी बात इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब बात करेंगे इसका फिजिकल कब तक होगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा। जब पुरानी भर्ती यहां पर फाइनल नहीं हो सकी तो क्या नई भर्ती का फिजिकल यहां पर कंडक्ट करवाया जा सकता है या फिर नहीं जा सकता, ये जानकारी मैं आपको दूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप सभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब के लिए बिल्कुल फ्री में लाइव क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। डेली आपको दो क्लास मिल रही हैं। उस चैनल का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, फटाफट जाकर आप सभी उस चैनल से जुड़ जाइए। किसी भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आपकी जीके क्लास उस पर चलती है, हिंदी क्लास चलेगी उस पर, और साथ ही समय समय पर रीजनिंग की भी क्लास आपको उस पर मिलती रहेगी। आप सभी अगर 2023 में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप सभी जाकर उस चैनल साथ जुड़ जाइए। डेली शाम 7 बजे आपकी क्लास चल रही है, डेली दोपहर 1 बजे आपकी क्लास चल रही है उस चैनल पर लाइव, और पहले से भी कुछ क्लासेस उस पर अपलोड पड़ी हुई हैं। जाकर आप सभी फटाफट देख लीजिए, उसको घोल कर पी जाइए। सिलेक्शन अगर आपको लेना है 2023 में, क्योंकि बहुत ही टॉप की क्लास है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है 2022 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आज के लेवल को देखते हुए उस क्वेश्चन को वहां पर तैयार किया गया है, उसी को वहां पर पढ़ाया जाता है। बेस्ट से बेस्ट टीचर आपको उस क्लासेस में मिलने वाले हैं। तो फटाफट जाकर चैनल साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं। चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस चैनल का नाम है सिलेक्शन तक स्टडी, फटाफट जाकर आप सभी उससे जुड़ जाइए। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि फिजिकल की जहां तक बात है, एसएसपी ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल की जो पोस्ट आई थी 1638 पोस्ट 2023 में, इसका फिजिकल की जहां तक बात है मेरे दोस्त, वो फिजिकल इसी साल होने के चांसेस बताए जा रहे हैं। 2023 में ही आपके फिजिकल यहां पे कंडक्ट करवाया जा सकता है, ये जानकारी अभी हमको यहां पे मिली है, क्योंकि पिछली बार जो 1522 पोस्ट आई हुई थी ट्रेड्समैन की और साथ में 115 पोस्ट आई हुई थी, इन भर्ती को कंडक्ट क्यों नहीं करवाया गया। आपको बता दें कि 1522 जो पोस्ट थी और 115 पोस्ट जो थी, इन दोनों के समय COVID-19 आ गया था, इसकी वजह से आपकी भर्ती को लेट कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि एसएसबी यहां पर आपकी भर्ती को लेट कर देता है, जानकर लेट करता है या डिले करता है, आपका एग्जाम नहीं करवाता या फिर आपका फिजिकल नहीं करवाता, ऐसी बात नहीं है। जब एक बार भर्ती पोस्टपोन हो जाती है तो उसको फिर से उसका प्रोसेस चालू करने में विभाग को नोटिस लिख के देना पड़ता है कि मैं इस भर्ती को फिर से चालू कराने जा रहा हूं और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। यदि अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो उसको फिर जवाब देना पड़ता है एसएसबी को। इसलिए यहां पर जो भर्ती एक बार पोस्टपोन हो जाती है, जैसे 115 पोस्ट है एसएसबी हेड कांस्टेबल की, इस भर्ती को यहां पर पोस्टपोन किया गया है। तो अभी देखो यहां पे फिजिकल डेट इसका नहीं आ रहा है, उसमें रीजन यही है कि भर्ती पोस्टपोन है। अब जब पूरी व्यवस्था पूरा यहां पे शेड्यूल बन जाएगा, कब फिजिकल होगा, कब एग्जाम होगा, कब मेडिकल होगा, कब टाइपिंग होगा, उसके बाद ही इस भर्ती का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट किया जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और 1522 पोस्टों को भी यहां पर पोस्टपोन किया गया था, लेकिन 1522 पोस्टों को फिर से प्रोसेस चालू कर दिया गया, फिजिकल भी उसका हो गया। साथ ही बात करें आप सभी का फिजिकल के साथ साथ अगर बात करें तो आप सभी का यहां पे एग्जाम भी इसका हो चुका है, रिजल्ट आने की देरी है, ठीक है। ये सारी चीजें यहां पर है, तो इसलिए आपको यहां पर बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, आपका यहां पर फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर जो कहते हैं 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 1522 पोस्ट वालों को देख लो कितना साल लग गया, तो आपको भी इतना साल लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फालतू चीजें पर आप विश्वास मत करिए। आपका इसी साल नवंबर
दिसंबर में आपका फिजिकल यहाँ पे स्टार्ट होने के चांसेस बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप सभी भाई यहाँ पर तैयार रहिए, फिजिकल तैयारी आप सभी करते रहिए, फिजिकल आपको बंद नहीं करना, नहीं तो आप सभी रनिंग जब एक साथ तैयारी करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिजिकल तैयारी आप सभी यहाँ पर करते रहिए, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके अंदर कोई सवाल है कमेंट करिएगा, कमेंट के रिप्लाई मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अवश्य करूंगा। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।